तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दे रखा है टेन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेन मीन्स जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो कितने हैं टेंथ क्लास में टोटल टेन दे रखे हैं ठीक है ना और वो क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं मैथमेटिक्स का कोई क्विज है हमारा उसमें ठीक है ना इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ फोर मोर मीन्स नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो कितने हैं उनकी क्वांटिटी फोर ज़्यादा है ठीक है ना नंबर ऑफ़ बॉयज़ से ठीक है अब यहाँ पर हमें क्या करना है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड आउट करने हैं ठीक है ना और यहाँ पे नंबर ऑफ़ गर्ल्स फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हमने हम हमनेज्यूम कर लिया लेट द नंबर ऑफ़ बॉयज़ हु टू पार्ट इन क्विज वी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बाई ठीक है ना तो दोनों का जो टोटल दे रखा है एक्स प्लस बाई दे रखा है तो फर्स्ट केस में क्या बनेगा एक्स प्लस बाई इक्व टू तो हमारा टेन सेकेंड केस में जो है बाई इक्व टू तो जो इक्वेशन बनेगी हमारी एक्स प्लस फोर क्योंकि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो क्या है फोर ज़्यादा हैं नंबर ऑफ़ बॉयज से ठीक है ना तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने क्या किया एक्स इक्व टू सिक्स लिया तो वाई इक्व टू हमारा फोर निकल के आया फिर एक्स इक्व टू हमने फोर लिया तो वाई इक्व टू हमारा सिक्स आ गया इसी तरह से फिर यहाँ पर हमने एक्स इक्व टू जीरो लिया तो वाई इक्व टू हमारा फोर हो गया एक्स इक्व टू वन लिया तो वाई इक्व टू हमारा यहाँ पर फाइव हो जाएगा ठीक है ना ये हमारी क्या हो गई दोनों यहाँ पर टेबल बन के आ गई अब इसको हमें क्या करना है ग्राफ पर शो करके दिखाना है ठीक है ना अब देखो यहाँ पर जो सेकेंड हमने यहाँ पे दे रखा है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका सेकेंड पार्ट इसको आपको जो क्वेश्चन नंबर वन है ठीक है ना इसमें जो हमने सॉल्यूशन किया इसी तरह आपको सॉल्यूशन करना है ठीक है ना और मैंने इसका आंसर भी यहाँ पे लिख दिया अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ तो ग्राफ पर हम कैसे करेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन वो हम देखते हैं यहाँ पर ठीक है तो देखते हैं ग्राफ में देखो ये ग्राफ जो मैंने बना रखा है इसमें देखो यहाँ पर जो कह रखा है वो जो हमने पॉइंट निकाली थी ना उनको हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली हमने क्या कर लिया उनको यहाँ पे प्लॉट कर दिया ठीक है ना जैसे एक्स एक्सिस पे यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तक पॉइंट लिए ऐसे यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इस तरह तक हमने लिया ठीक है अब ये एक्स प्लस बाई कोस टू टेन की जो इक्वेशन बन के आई है ठीक है ना दूसरी जो निकल के आई थी बाईकोस टू एक्स प्लस फोर की वो हमारी ये इस तरह से ये हमारी लाइन है अब ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं किसी पॉइंट पे कट कर रही है हमारी ठीक है ना अब हम देखेंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है तो पहले हमने देखा यहाँ पर जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है एक्स एक्सिस की तरफ आई नीचे की तरफ ठीक है ना तो कहाँ पे कट कर रहा है थ्री पर ठीक है ना तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी थ्री ऐसे ही यहाँ पर बाई एक्सिस पे गए तो बाई एक्सिस पे कहाँ पर कट कर रहा है सेवन पे तो इस तरह से जो बाई की वैल्यू निकल गया आई वो हमारी कितनी निकल गया आई सेवन निकल गया आई ठीक है ना तो x में जो निकल के आई है वैल्यू वो थ्री और x हमने क्या मान रखा था वहाँ पर जो x हमने मान रखा था वो क्या था हमारा नंबर ऑफ़ बॉइज़ ठीक है ना तो नंबर ऑफ़ बॉइज जो है हमारे वहाँ पे कितने निकल के आ गए x मीन्स थ्री और नंबर ऑफ़ जो गर्ल्स की बात करेंगे वो कितनी हमारी सेवन है ठीक है ना और यहाँ पर इस तरह से जो है हमारा सोल्यूशन हो जाएगा ग्राफिकली ठीक है अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर टू जो दे रखा है इसमें क्या है on comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of means आगे जो यहाँ पर जो pair दे रखा है हमारा linear equation के उसमें हमें बताना है कि किस केस में जो है यहाँ पर उनका जो ग्राफिकल representation representation होगा वो parallel होगा और किस में कंसिस्टेंट होगा ठीक है ना तो यहाँ पर पहले इक्वेशन जो दे रखी है इसमें हमने a1 upon a2 और वी वन अपोन बी टू और सीवन अपोन सी टू निकाले ठीक है ना तो ए वन अपोन ए टू और वी वन अपोन बी टू से ही पता चल गया कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है ठीक है ना तो हैंस क्या हो जाएगा यहाँ पर इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा वो कैसा होगा इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर ठीक है इसी तरह से सेकेंड केस में हमारी दो इक्वेशन दे रखी हैं यहाँ पर हमने ए वन अपोन ए टू निकाला तो वन अपॉइन्ट टू वी वन अपन बी टू निकाला वन अपॉइंट टू सेवन अपोन सी टू निकाला वन अपॉइंट टू ठीक है ना तो इस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पर तीनों आपस में इक्वल हैं हेंस लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ठीक है hence, equation, ना आर को ठीक है ये को इंसिडेंट हो जाएंगे इसी तरह से तो वो थर्ड यहाँ पे वो दे रखा है हमारी कंडीशन इक्वेशन है सिक्स एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो टू एक्स माइनस वाई ठीक है ना प्लस नाइन टू इस तरह से दे रखा तो ए वन अपॉइन ए टू थ्री वन निकल गया वी वन अपॉन्ट टू टू थ्री वन निकल गया सी वन अपॉइन्ट सी टू टेन नाइन इसका मीन सेवन अपॉन बी टू इक्वल टू जीवन अपॉन बी बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन सी टू हेन्स द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर को ठीक है ना तो ये तीनों कंडीशन हमारी यहाँ पर हो गई तीनों इक्वेशन के लिए अलग अलग ठीक है आज की वीडियो में इतना ही जय हिंद स्टूडेंट्स